नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एसके सिंह और आप देख रहे हैं मेरे और आपके अपने यूट्यूब चैनल एप्स राजा को। और मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को नई नई एप्स की जानकारी देता रहता हूं, जिससे आपका कुछ फायदा हो सके। इस फायदे की वजह से लोग इस चैनल से ज्यादा जुड़ रहे हैं। यदि आप भी मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे जाइए और रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर ले। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूले। तो चलिए मैं अपना वीडियो स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको एक ऐसी ऐप के बारे में बताऊंगा। इस ऐप के माध्यम से आप बिल्कुल डिजिटल तरीके से अपने स्मार्टफोन से अब आप बैंक से लोन ले सकते हैं, वो भी बड़ी है आसानी से। तो चलिए मैं उस ऐप का नाम बताता हूं। उस ऐप का नाम है दोस्तों पैसा लो। जी हाँ दोस्तों, इस ऐप को लॉन्च किया है पैसा लो डिजिटल लिमिटेड की तरफ से। यह कंपनी ऑलरेडी लोगों को पहले पैसा उपलब्ध कराती थी, अब उनका तरीका बदल गया है। अब लोगों को डिजिटल तरीके से पैसा उपलब्ध करा रहे हैं इस ऐप के माध्यम से। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पहले सारा काम मैन्युअली होता था, लोगों को रिचार्ज करना होता था, बैंक से पैसे ट्रांसफ़र करना होता था, सारा काम आपको जाके करना होता था। अब सारे काम, जो रिचार्ज वगैरह हो, पैसे ट्रांसफ़र करने का हो, बैलेंस देखना हो, अब सारा काम मोबाइल से होने लगा है, डिजिटल तरीके से होने लगा है। तो कंपनी भी अब अपना तरीका बदल दिया है, अब लोगों को घर बैठे ही मोबाइल के माध्यम से ही लोन की सुविधा देने लगा है। इसमें बहुत सारे कंपनियां ऑलरेडी कूद चुकी है, जिसमें आपको SBI का योनो ऐप भी है, उसके माध्यम से भी आप सारा काम कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं। और दूसरा जो है वो धनी ऐप के माध्यम से भी मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा लोन ले सकते हैं। तो चलिए मैं आज आपको बताऊँगा कि ये पैसा लो ऐप से आपको कितना पैसा लोन के रूप में मिलेगा, कैसे मिलेगा और इसका प्रोसेस क्या है, पूरी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैं बता रहा हूं, इस ऐप के माध्यम से आपको जो पैसा मिलेगा वो 10,000 मिनिमम और मैक्सिमम 50,000 तक का ही लोन इस माध्यम से मिलेगा। यह बेसिकली उन लोगों के लिए हैं जिनको कम पैसे की ज़रूरत है, जो छोटे व्यवसायी हैं, जो अपना व्यवसाय करना चाहते हैं और उनको पैसा उपलब्ध नहीं है, वो स्पेशली उन लोगों के लिए भी है। और कोई भी व्यक्ति जिनको 10,000 से 50,000 के बीच में पैसे की ज़रूरत है, वह इस ऐप के माध्यम से लोन ले सकते हैं। और यह लोन जब आप लेंगे तो आपको, और दोस्तों आप जितना भी लोन लेंगे उसको आपको रिटर्न करना है 1 मंथ से 24 मंथ के बीच में। जी हाँ दोस्तों, आपको उसमें EMI जो भरना होगा वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ और 24 मंथ, ये इसका क्राइटेरिया है, इसके माध्यम से आप भर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको पूरी प्रोसेस बताता हूँ कि ऐप कैसे डाउनलोड करेंगे, आप क्या प्रोसेस करेंगे, आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी, सारी जानकारी। तो चलिए सबसे पहले, तो दोस्तों आपको गूगल प्ले स्टोर में जाना है और वहाँ पे प्ले स्टोर में लिखना है पैसा लो ऐप और इसे इंस्टॉल करना है। मैं ऑलरेडी इसे इंस्टॉल कर रखा हूँ और मैं इसे आपको बताता हूँ कि इसका प्रोसेस क्या है और कैसे करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसे कम लोगों ने ही डाउनलोड किया है, क्योंकि अभी जस्ट ही अभी रिलीज हुआ है। यदि आप इसमें पहले अप्लाई करते हो तो आपको 100% चांस है लोन मिलने का। तो चलिए मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ कि आपको क्या क्या करना है। तो जैसे ही दोस्तों आप इस ऐप को ओपन करेंगे, आपको पहला पेज इस तरह का दिखाई देगा, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। और आपको वहां पर देखिए लिखा हुआ प्लीज़ इंटर योर वोटर आईडी कार्ड। तो सबसे पहले आपको वोटर आई कार्ड नंबर आपको डालना है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपका जो आधार नंबर है वो आपके बैंक खाते से लिंक होना ज़रूरी है, और साथ ही साथ आपका जो मोबाइल नंबर है वो भी आधार से लिंक होना ज़रूरी है, क्योंकि आपको यहाँ पर जो दो बॉक्स है उसमें आपको इस पर टिक लगाना है। और आधार नंबर यदि लिंक नहीं है तो आगे का प्रोसेस नहीं होगा, चाहे आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है तो आपका आगे का प्रोसेस नहीं होगा। तो इस बात का आप जरूर से ज़रूर ध्यान रखें कि आपका आधार कार्ड नंबर जो है आपके अकाउंट से लिंक होना चाहिए और आपका मोबाइल नंबर आपके आधार नंबर से लिंक होना चाहिए। यदि ये दोनों चीज़ लिंक है तो आप बॉक्स पे दोनों पे टिक मार करके और आगे प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड जैसे ही करेंगे आपका दूसरा पेज आएगा, यहाँ पर आपको डालना है आपका आधार नंबर। और जैसे ही आप आधार नंबर डालेंगे आपका जो है OTP आएगा, OTP के माध्यम से आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा।
वेरिफिकेशन होने के बाद आपको तीसरा पेज पर ले जाया जाएगा और वहां पर देखिए लिखा हुआ प्रोफाइल में इफ योर करेंट एड्रेस द सेम एज पर आधार एड्रेस, यदि आपका जो आधार एड्रेस में सेम है तो आप यस करेंगे, यदि नहीं है तो नो करके इसको फिलअप करेंगे। और पूरा फिलअप करने के बाद आप देखिए यहाँ पर करेंट एड्रेस, सिटी, पिन कोड, पैन कार्ड, मंथली सैलरी इनकम, एफसी कोड, बैंक अकाउंट नंबर, जो भी डिटेल है आपको यहाँ भरना है और आपको उसको प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करेंगे तो आपको फिर ये नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा और वहाँ पर आपको कितना लोन अमाउंट लेना है आपको यहाँ पे डालना है और साथ ही साथ आपको सेलेक्ट करना है कि वह कितने मंथ के लिए लेना है। इसका ऑप्शन नीचे दिया गया है, ये देखिए वन मंथ यहाँ से आपको दिख रहा होगा, वन मंथ, थ्री मंथ, सिक्स मंथ, ट्वेल्व मंथ, एटीन मंथ और 24 मंथ का ये ऑप्शन दिया है आप पैसा रिटर्न करने का। और करने के बाद ठीक देखिए नीचे प्रोसीड बटन है, फिर आप इसे प्रोसीड करेंगे तो आपको नेक्स्ट पेज पे लेके जाएगा और आपको देखिए यहाँ बैंक पासबुक ऊपर में जो दिया हुआ है, बैंक पासबुक स्टेटमेंट 6 मंथ का ये चाहिए और वोटर आई कार्ड का बोथ साइड का जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करना अनिवार्य है। और जो ऑप्शनल में है वो आप कोई भी एक बॉक्स में जो भी आपके पास उपलब्ध हो, LPG, फॉर्म 16, एम्प्लॉई RD, इलेक्ट्रिक बिल, वाटर टैक्स, व्हीकल, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी है आप उस पर क्लिक करके टिक मार कर दें और उसे प्रोसीड पे क्लिक करें और इसे अपलोड कर दें। ये डॉक्यूमेंट्स का पेज है, जैसे आप प्रोसीड करेंगे फिर आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा और यहाँ पर आपको कंग्रेचुलेशन का दिखाएगा मैसेज और सारा प्रोसेस यदि ठीक रहा तो 4 दिन के अंदर आपका लोन सैंक्शन हो जाएगा। तो आप इसको ओके कर देंगे और फिर प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करेंगे तो आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा, यहाँ पर आपको लोन सैंक्शन लेटर मिलेगा जो कि आपको कंपनी के तरफ से मिलेगा, इसमें सारा डिटेल आपको दिया रहेगा। और इस पेज के बाद आपको नेक्स्ट पेज पे जो आएगा, योर लोन एप्लीकेशन हैज़ बी सबमिटेड, जो आप लोन सबमिटेड किए हैं उसका पूरा डिटेल आपको यहाँ पे दिखाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका सारा डिटेल है, जो लोन अमाउंट मान लीजिए जो भी अमाउंट आप डालेंगे यहाँ पे दिया हुआ है, टेन्यूअर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मंथ है, प्रोसेसिंग फीस है, GST वगैरह है, टोटल इंटरेस्ट अमाउंट कितना होगा, EMI आपका कितना आएगा वो आपको यहाँ पे दिया रहेगा, जिस हिसाब से आपका पैसा रहेगा उस हिसाब से, और टोटल नंबर ऑफ EMI कितना देना है तो हमने वहाँ जो सेलेक्ट किया पहले 24 मंथ उसके हिसाब से आएगा। और उसके बाद में आपका ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा और आपको लोन सैंक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान प्रोसेस था ये पैसालो ऐप से, और यदि इस एप्लीकेशन को आपको प्रोसेस करने में या यदि लोन लेने में यदि किसी तरह का दिक्कत और परेशानी आता है तो प्लीज़ आप यहाँ पर दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं आपको यहाँ पर सपोर्ट मिल सकता है, यहाँ पर कुछ कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए हैं और देखिए ये टोल फ्री नंबर है 8585854848, इस पे भी कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। और यहाँ पर और एक नंबर है +9111435188888 पे, और साथ ही साथ आप इसके वेबसाइट dilli@paisalo.in पे भी जाके आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों किसी तरह की आपको जानकारी लेनी हो तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट करके आप ले सकते हैं, और खुद आप समझदार हैं, किसी भी ऐप को यूज करने से पहले आप उसका पूरा डिटेल चेक कर लें और उसकी जानकारी ले लें, इसकी वेबसाइट को देख लें और वहाँ पे जाके इसकी सारी इन्फॉर्मेशन ले लें, उसके बाद प्रोसेस करें, क्योंकि आप यदि इसमें जानकारी ले लेंगे तो आपको ईजी होगा और आपको ये ऐप यूज करने में आसानी होगा कि हाँ ये सही है या गलत। लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल सही है, आप यूज कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ मेरे कहने से नहीं होगा, आप इसे खुद भी ज़रूर से ज़रूर चेक कर लें। तो दोस्तों आप भी अब आदत बना लीजिए डिजिटल तरीके से काम करने की, क्योंकि अब आने वाले भविष्य में आने वाले समय में अब सारा काम आपके मोबाइल फ़ोन से ही होगा, स्मार्ट तरीके से होगा और डिजिटल तरीके से होगा। तो दोस्तों आई होप सो कि
कि आपको ये पैसा लो मोबाइल ऐप्स की जानकारी आपको अच्छी लगी हो। यदि अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें।